बिलासपुर नगर के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मंदिर न्यास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वीरवार को सुबह के समय हवन यज्ञ के साथ कार्यक्रम का समापन हो गया। इस अवसर पर मंदिर न्यास अधिकारी तहसीलदार सदर नरेश पटियाल ने हवन यज्ञ में आहुतियाँ डाली। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। मंदिर न्यास की ओर से शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर की परिक्रमा करते हुए वापस मंदिर में पहुंची। इसी बीच शहर के विभिन्न सेक्टरों में गोविंदाओं द्वारा मटकियां फोड़ी गई। श्रद्धालुओं ने इस कार्यक्रम का भव्य लुत्फ़ उठाया। उन्होंने बताया कि इस दौरान श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन भी किया गया, जिसमें 7 दिन कथावाचक हंसराज शर्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया गया। तहसीलदार नरेश पटियाल ने बताया, मैं सबसे पहले तो सभी बिलासपुर वासियों को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि मैंने अभी यहां पे 31 सितंबर को एज ए तहसीलदार कम टेंपल ऑफिसर ज्वाइन किया और मुझे पता चला कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भागवत कथा का आयोजन होता है और हर वर्ष की भांति इस बार भी ये भागवत कथा का आयोजन किया गया। ये पिछले 5-6 दिनों से भागवत कथा चल रही थी, आज इसका जो है वो समापन है। आज हवन यज्ञ का आयोजन हुआ और इसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे इस मंदिर में कुछ सुधार की गुंजाइश है, जिसको मैं अपने रहते हुए यहाँ पर अपने जिला प्रशासन के माध्यम से उन जो कमियाँ हैं उनको सुधारने का प्रयास करूँगा और इस मंदिर की भव्यता और यहाँ पे होने वाले आयोजनों के सफल और सुचारू आयोजन के लिए मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करूँगा और एक बार फिर से सभी बिलासपुर वासियों को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। बिलासपुर से विजय कुमार की रिपोर्ट।